बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? दुआएं आप सब खैरियत से। आज मैं आपके साथ स्लीव्स के लिए ये वाला डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये हमने गोटे और मिरर की मदद से तैयार किया है। इसके लिए सब में पहले आपने इस तरह से पैटर्न इसका तैयार कर लेना है। इस तरह ये शीशा लिया है हमने, उसको रख के जितना हमारे पास हम लोगों ने इसके ऊपर मिरर लगाना है उतना ही उसके सेंटर में रख के उसकी गेज जो है ना हमने इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ये हार्ड पेपर, इसको आप फिर कट कर लें। जब ये कट हो जाए तो ये, और इसके बाद हम लोगों ने इसके तीन पत्ते लीव जो है ना वो भी बनाने, तो वो एक एक ही एक ही जितने होने चाहिए, एक एक इंच के। इस तरह आप इसको कट कर लें। इसके बाद आप इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो है ना ड्रॉ करना है। फिर आपने इस तरह से आप इसे पेस्टिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ करते जाएं। जितने आपकी स्लीव्स की चौड़ाई हो, जितना आपको चाहिए आप उतना ही इसको ड्रॉ करें। तो इस तरह आप, हम लोगों ने इसे एक दूसरे के ऊपर रखना है। जैसे अब ये मैंने कंप्लीट कर लिया ना, एक रो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब इसके ऊपर इस तरह से दूसरी, अब ये दूसरा बनाना है इसके ऊपर, फिर इसके बाद तीसरी रो होगी। तो इसके लिए मैंने लीव भी कट किए थे तीन, तो ये इसके ऊपर रख के इसको जोड़ना है एक साथ। और इन सब की सिलाइयाँ जो है मैंने एक एक को अलग, फिर आप आगे देखेंगे उसका। इन सब की फिलिंग आपने गोटे से करनी है। जो मेरे से एक है ना, मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे से पूछा था कि भैया ना आपने हमें गोटे की फिलिंग का, जैसे डिबिया में किस तरह से आप भर दिया, आपने हमें पिछली वीडियो में वो नहीं दिखाया। तो ख़ास तौर से उनके लिए फिर मैंने इस तरह अब दोबारा जो है ना डिबिया की, वो डिबिया का आगे मैंने शेयर किया है, जिसको आप लोग देख लेना कि किस तरीके से जो है ना मैंने इसमें इस्तेमाल किया। डिबिया का तो मैं बार बार मैंने शेयर किया है, इस वजह से जो है ना मेरे को बार बार एक चीज़ को दोहराओ तो ज़रा बंदा बोर हो जाता है। इसलिए अब मैं इसका एक शॉर्ट बनाने वाली हूँ जो मेरे चैनल पे पड़ा रहेगा। तो आपको अगर उसमें डिबिया का समझ नहीं आए तो आप उसमें से देख लिया करें। और ये मैंने इस तरह इसके ये लीव्स इसे कट किए तीन, अब ये मैंने इसी के ऊपर रखना है, जिसे दोनों को साथ ज्वाइन करके रखना है, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फिर जो है ना आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना इसमें गोटा फिल करना है, तो उसमें जो है ना ये आसानी रहेगी इसकी। इस तरीके से आप इसको रखें और इसको ड्रॉ कर लें। और ना हमारे स्लीव्स की चौड़ाई है 17 इंच मैंने लिए, अगर आप चाहे तो इससे कम ले सकते हैं, 15-17 इंच जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना ही ले लें। और इसके आगे जो है ना मैं ये डिबिया देखिए, मैंने इस तरह से इसको सेट किया है कि इसके दरमियान मैंने ये पेशकस देखे ना, इसको इस तरह से जो है थोड़ा उठा दिया है, तो इसमें एक गेप बन गया। तो इस वजह से जो है ना गोटा निकलना है, गोटा थोड़ा मोटा होता है तो इसमें से आसानी से निकलता है। फिर ये देखिए आप कितनी आसानी से निकल रहा है। आप मेरे पास एक्स्ट्रा थी, मैंने बना के रखी थी, और आप जब इसको निकालें तो इस तरीके से सुई का धागे का सिरा पकड़े और सुई के पास धागे को पकड़े और उसको जो है ना डबल करके ना इसको खींच लें, बहुत आसानी से निकलेगा। जब ये बिल्कुल स्मूथली चलने लगे उसके बाद आपने सिलाई करनी है इसकी। ये देखिए मैंने आपसे ये कहा था एक एक इंचे ये दोनों, तो इस वजह से आप देखिए हर एक एक लाइन से एक जितना ही बनाइए हमारे पैटर्न।
आपने इसको सीधी सीधी लाइन में इस तरह इस तरीके से जो है ना आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है। ये देखें, अब मैंने ये एक ही लाइन जो है ना इसके बाजू के जो आगे जो होता है बिल्कुल वहीं से शुरू किया, इसके कहीं पे जोड़ नहीं आना चाहिए। बीच में जो है ना इस तरह आप एक एक को जो है ना अलग अलग फिल करें इस तरीके से। ये इसके साथ ये पत्ते मैंने फिल किए। इसके बाद अब मैंने सीधा दूसरे दूसरी साइड पे जो है ना इसकी सिलाई करके नीचे की तरफ जाना है और इसकी वो सिलाई में दब जाना है। फिर देखिए बाजू के आगे जो आता है यही इसके जोड़ आना चाहिए बस। मैंने एक दफ़ा इसके ऊपर इसको जो है ना सही करने के लिए यानी कि इसकी मुड़ाई करने के लिए एक दफ़ा इसको मैंने गोटे से इसको पक्का कर लिया। उसके बाद अब मैंने इसके ऊपर लेस लगाई ताकि नीचे जो है ना उसमें वो ज़्यादा वो कपड़ा नज़र ना आए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से जो है मैं नीचे भी गोटे की फिलिंग की थी ताकि उसके ऊपर अगर नीचे इसमें अगर ये ज़रा बना हुआ है ना कट वर्क से इसमें इसमें नज़र नहीं है। इसके लिए हमने ये UHO से लगाया मैंने। अगर आप चाहे तो इसको सुई से भी टांग सकते हैं। बस आप इसको इस तरह से जो है ना UHO से लगाते जाएं। इस तरह से आप देख रहे हैं वो मॉडल का भी जो है तो उन्होंने भी इस तरह उस पर धागे कोई फिलिंग नहीं की। ये UHO से बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं, कोई इतना ख़तरा नहीं होता इसे गिरने का। इस तरह पत्तों में जो है ना आपने इसके नग लगाने, ये काफ़ी आपके कोई इतना ख़र्चा नहीं होगा इस पर। ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 में आपका ये मेरे एक स्लीव पे जो है ना बस ये 100 रुपये तक का ख़र्चा होगा। इस तरह काफ़ी कम खर्चे में आपको इतना अच्छा डिज़ाइनर सा तैयार हो जाएगा ड्रेस। आप इसको इस तरीके से फिल करते जाएं, आपको सही लगे तो आप इसको जो है सुई से टांग दें, इसमें होल बने हुए आप उसको टांग सकते हैं। ये है इसी कंप्लीट लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।